महक। मेरे प्यार के काबिल नहीं है आपकी प्यारी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ना वो लफंग आ जाए था। दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। ले हो तू हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बताया है कि निकी की सिक्योरिटी कंपनी ने बंगलों पर सिक्योरिटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि पेपर्स डेफिनेटली बंगलों के अंदर है। महक अंदर जाकर पेपर्स ला सकती है। एक सोचना भी मत। अरे हम कोई और रास्ता निकालेंगे। पुराना सर, आई एम रेडी। मैं घर में जाऊंगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं जाऊंगी। मेरे पास एक प्लान है। ये तो सिर्फ मुझे शौर से बचा रहा था, और फिर वो मुझे घर ड्रॉप करने निकला। लेकिन तो ड्रॉप काय नहीं किया, वो हम पीने बैठ गए थे। मुझे शराबी कहकर पूरे जमाने भर में बदनाम किया जा रहा है, और यहाँ ये मेरी सोकल पतिवता बीवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शराब पी रही है। बस मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूंगा। अजय, महक के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस तुम ही थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये बताओ कि तुम महक को अपने घर के अंदर ले जाओगे कि नहीं। अजय यहाँ नहीं, किसी और कमरे में दारू पी के आउट हो गया होगा। शौर्य, अजय तुम्हारी बीवी के पीछे घूम रहा था। नहीं, तुमने तो अजय को कुछ नहीं किया ना? ये निकी झूठ बोल रही है, ये महक को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, आप और आपकी बच्ची बस दोनों ही हो सच्ची। हम सब तो ठग हैं यहाँ पर। कांता जी, मान क्यों नहीं लेती आप कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे शौर्य का हाथ छोड़कर इस पम्मी के पिल्ले अजय का हाथ थाम लिया है? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? चुप चुप, सब के सब चुप। हंगामा करना है अपने घर में करना। पहले बताओ मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ उठा के ले गई वो छोकरी उसको। एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं एक एक को। अरे होना बाकी क्या रह गया, हा? क्या बाकी रह गया? आशिकी कर रहे होंगे दोनों, जाके देखो। कौन बैठा है गाड़ी में इतनी देर से? हमसे बड़ी भारी भूल हुई, तुझसे रिश्ता तोड़ के हम शौर्य की चकाचौंध में ऐसे खो गए कि तेरे अंदर के हीरो को देख ही नहीं पाए। हम दो ही दिन में अपने लिए कोई और रहने की जगह ढूंढ लेंगे, और यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसे कैसे? मैंने, अजय द परमार ने आप दोनों की जिम्मेदारी ली है। अब आप लोग यही रहेंगे, और ऐसे रहेंगे जैसे आपका अपना घर है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो अजय द परमार, इस घर पर आधा हक मेरा है। मेरी परमिशन के बिना इस सड़क की गंदगी को तुम घर के अंदर तो ले आए, लेकिन रख नहीं पाओ। I will throw them out. मेरी बीवी और भतीजी ने इतना बड़ा दुख दिया है मुझे, जीऊं कैसे समझ में नहीं आ रहा।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। ये बड़ों का मामला है, तुम लोग बीच में मत बोलो। बुआ बीच में नहीं तो साइड में तो बोल सकते ना। मुझे, सोनल को, नेहल को, हम सबको ये मैटर कुछ उलझावा सा लग रहा है। वरना महक भी जीजू को छोड़कर कभी जा सकती है, और वो भी उस अजय के पास जिससे वो नफरत करती है। बच्चे जो बात कह रहे हैं है तो दमदार। ये तो बच्चे हैं, इन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, मगर हम लोगों ने तो दुनिया देखी है ना। आंख बंद करके मान लीजिए कि महक अजय के साथ कार में थी ही नहीं। मान लीजिए ये बात कि महक नाटक कर रही है और झूठ बोल रही है हम सबसे। आप लोगों के लिए ये स्वीकारना मुश्किल हो गया है कि आप लोगों की महक अब बदल गई। तो जो मानना है माने और जो करना है वो करे। महक अब मेरी बहू नहीं है। उसने शौर्य को धोखा दिया है और यही बात सच है। इन सबको सच पता चल गया ना, हम सबकी क्लास लग जाएगी माँ। हाँ बेटा, कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या? इतना ट्रिकी केस मेरे करियर में कभी नहीं आया। अब निकी के सिक्योरिटी कैमरे से डील करूं या तुम्हारे घर के जासूसों से? तो लेकिन कोई तो आइडिया होगा ना? आइडिया है, लेकिन सुनने के लिए कुर्सी की पेटी बांध दो। मतलब होल्ड ऑन टाइट। लेकिन ऐसा का आइडिया? चलो मेरे साथ। अजय मेरी बात समझो, तुम बॉयफ्रेंड नहीं बकरा बन रहे हो, और वो हलाल कर देगी महक तुम्हें। सही बोली छिपकली, तू सियाणा कौआ बनके महक के पास जाएगा, मुंह गोबर में सना पाएगा। अच्छा, कल तक तुम लोग मिस इंडिया रनर अप जोधपुर के राजा के थर्ड कजन की बेटी का रिश्ता लेकर आ रहे। जब मैं इन सारी लड़कियों के लायक हो सकता हूँ तो महक के लायक क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं समझ में आएगा। अरे बिल्कुल लायक हो सकता है, एकदम टॉपम टॉप लौंडा है तू। ए मॉरल सपोर्ट, तुझे ना सिर्फ साइड पे खड़े होना, अपना कोई ओपिनियन नहीं देना। महक शौर्य के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करती, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, और तुम्हें फिर भी लगता है कि वो शौर्य को छोड़कर तुम्हारी हो जाएगी? यू आर अ फूल अजय, फूल। वो एक तरफ तो इसको बेटी बोलती है और दूसरी तरफ उसके ही घर का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। शौर्य, हमारी फैमिली को इस ड्रामे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्लें भी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए तुम दोनों मर चुके। मामा, मुझे तो लगता है कि किसी ने फ्यूज सिर्फ निकाला नहीं है, उसे चोरी करके अपने साथ ले गया है। अब क्या करें, ऋषभ जी ने इतने भरोसे के साथ हमें कुंभा के हॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन आंटी, कहीं लाइट आ गई तो? कैसी आएगी, फ्यूज ही नहीं है। लेकिन कहीं लोगों को पता चल गया, ये हमारा प्लान था। आई मीन टू से, लोग जानते हैं ना यू डोंट लाइक प्रीता। मेरा इंतजार कर रही थी तो थोड़ी देर और रुक लो। का मतलब? मतलब यू माय टॉनिक, थकी हुई आंखों से जब तुम्हें निहारता हूं ना तो आंखों में अपने आप चमक आ जाती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ। आपको मिसेस व्यास से मिलना है, इनफैक्ट मैं खुद आपको उनके कमरे तक ले जाऊंगा। मैं आए? मुझे अकेले में अंधेरे में बहुत डर लगता है। डरना भी चाहिए आपको? आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपको अपने साथ ले जाने आई। अगर आप ये फ्लावर्स कभी कभी निशा को भी दें या उसे डिनर पर लेकर जाएं तो उसे भी अच्छा लगेगा।
यू नो, वो हमें हमेशा साथ में घर में देखती है, आपको बच्चों के साथ देखती है, तो उसे बुरा लगता है, वो आपको मिस करती है, तो यार बेकार बातें कर रही हो जानू। नागेश कोई भी चीज किसी से बांटता नहीं। अपने हाथ खून से रंगने होंगे तुझे, अपने परिवार के खून से।